हर एक दिन जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया पेजेस पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या अन्य माध्यम है, वहाँ लोगों के बीच पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसके नंबर्स को भी बताया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। आप लोग भी अगर कोविड से रिलेटेड जानकारी अगर जानना चाहें कि बिहार में क्या स्थिति है, तो पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने जब से स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाला है, जब से स्वास्थ्य विभाग संभाला है, तब से उन्होंने बिहार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के कवायद में जुटे हुए हैं। मिशन 60 के तहत उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स और बिहार के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल और सदर अस्पताल है, उन्हें मात्र 60 दिनों में बेहतर और दुरुस्त बनाने का ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने मिशन क्वालिटी भी शुरू की है, और जिसके तहत ये जो बिहार के जितने भी सदर अस्पताल हैं, उन्हें ये बताना होगा कि उनके विभाग और उनके अस्पताल की क्वालिटी क्या है। और इतना ही नहीं, आपको बताया कि जैसे कोविड की जो कोविड महामारी है, कोरोना का जो काल है, वो वापस से भारत में आने का ऐसा संकेत दे दिया गया है, क्योंकि जैसे कि चाइना में कोरोना का के जो मरीज है वो जिस तरह से बढ़ते नजर आ रहे हैं, कोरोना का जो प्रकोप है चाइना में जिस तरह से बढ़ते नजर आ रहा है, ऐसे में भारत ने भी अलर्ट मोड में आ गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुला करके अपने विभाग में ये सूचना दे दी थी और ये कह दिया था कि अब हर लोगों को मास्क पहनना जरूरी है, और पूरे अलर्ट मोड में आ गए थे। लेकिन वहीं आपको बताया कि बिहार के भी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने एक वीडियो के जरिए बिहार के लोगों को एक छोटा सा संदेश देने का कोशिश किया है, और ये कहने का कोशिश किया है, लोगों को अलर्ट रहने का बात तेजस्वी यादव ने कहा है। कोरोना, उन्होंने कहा है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता की ज़रूरत है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव अपने इस वीडियो के जरिए, हम पहले आपको उनकी ये वीडियो। तो देखिए, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें ये लिखा गया है, कोविड-19 से घबराने की आवश्यकता नहीं है, माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने देखिए एक वीडियो साझा किया है, और उसमें उन्होंने बिहार की जनता से ये कहा है, और ये लोगों से कहा है कि कोरोना से घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अलर्ट रहना होगा, आपको मास्क पहन के चलना होगा, लोगों से अगर आप को लगता है कि आप में कोरोना के लक्षण है, तो आप तुरंत खुद को आइसोलेट कर ले और खुद का जांच करना शुरू कर दे। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट रहते हैं। बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल है, बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे ठीक करने के कवायद में लगे हैं, और साथ ही साथ बिहार में जो कि कोरोना को, खासकर भारत में कोरोना को लेकर जो भी
संकेत आए हुए हैं, उसे लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पहले ही बिहार के जनता को अलर्ट कर दिया है। इसे लेकर के उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी कि तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का एक मीटिंग बुलाया था और उसमें कोरोना को लेकर के ही इस पर चर्चा हुई थी और यही निर्देश दिए गए थे कि अब लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता है और लोग बाहर निकले तो जरूर से जरूर मास्क पहने। तो चलिए इस खबर में इतना ही, अभी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।